गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू वन मोर फ्रेश एपिसोड एंड वन मोर फ्रेश वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट महादेव जी का नाम लेकर के, हर हर महादेव। और आज का कौन सा डेट है, कौन सा दिन है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल की मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। लेकिन इतना पता है कि पिछले 3 से 4 दिनों से मैं ऋषिकेश में रुका हुआ था। ऋषिकेश में मैं था यश भाई के यहाँ। फिलहाल अभी आज जा करके दोपहर के 2 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से। मैं अकेले निकल रहा हूँ। प्लान था आगे बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री करने का, लेकिन समय ऐसा चल रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है चार धाम हाईवे पे। पूरे चार धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। गंगोत्री में लैंडस्लाइड हो चुका है, यमुनोत्री का रास्ता भी तो उतना अच्छा नहीं है। बद्रीनाथ में अभी कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी, तो मेरा माइंड में चल रहा है ना कि ये बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन तीनों को दूर से प्रणाम करते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं, लद्दाख निकलते हैं, लद्दाख से घूम के आते 10-15 दिनों के अंदर, और फिर उसके बाद जब तक थोड़ा सा भीड़ शांत हो जाएगा, मौसम क्लियर हो जाएगा, बरसात थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ की राइड करेंगे। पीछे हमारी बाइक रेडी है। बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी है क्योंकि 3-4 दिनों से लगी हुई थी, काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी। अभी उसके ऊपर सामान लोड करते हैं और निकलेंगे यहाँ से दोपहर के 2 बजे। रास्ता कौन सा होने वाला है? यहाँ से देहरादून से पोटा साहिब से शायद सोलान होते हुए मैं आगे की तरफ जाऊँगा। अरे निखिल भैया का 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में से 11 ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट हो गया, 4 धाम कंप्लीट हो गया, सिर्फ काशी विश्वनाथ बचा हुआ है। तो जो लोग काशी से देख रहे हैं भैया से कांटेक्ट कर लेना, भैया वाराणसी जाने वाले हैं। यश भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी बहुत बहुत धन्यवाद पोहे के लिए और इतना प्यार देने के लिए और अपने बेटे के जैसा ट्रीट करने के लिए। कुछ बोलो आंटी। फिर से आना और यात्रा शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। हर हर महादेव, राधे राधे। और यश भाई यार गाना सुना के तूने दिल खुश कर लिया। हमारे यश भाई जो है ना वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, सिंगर है, और मतलब बाकी इनका प्रोफाइल चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब इन आपको सब्सक्राइब करो क्योंकि ये अच्छे अच्छे काम कर रहा है बेचारा। बेचारा लगाने का क्या जरूरत है अबे? ये अभी इसकी आगे देखो, लद्दाख की सीरीज देखना, बहुत एंजॉय करना, और फिर बाद में हम साथ में मिलेंगे, बहुत सारी देखना। जब देखो तब पंप मारते रहते हो। कुछ बोलोगे? आते हैं फिर। राधे राधे। बम बम बोले। ठीक है आंटी, ठीक है। हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। दोपहर के 2:41 हो रहे हैं और मैं निकल गया यहाँ से। मैं जा रहा हूँ मनाली की तरफ, तो रास्ता जो है वो देहरादून होते हुए। तो आज मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और काफ़ी दिनों के बाद, अराउंड हफ्ते भर के बाद मैं जा कर के बाइक पे आया हूँ। हफ्ते भर से मैं ऋषिकेश में ही था, यश भाई के यहाँ राफ्टिंग कर रहा था, घूम रहा था, लैपटॉप बनवाने की कोशिश कर रहा था, गोप्रो ठीक करने की कोशिश कर रहा था। आपको अगर पता नहीं होगा, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी फॉलो नहीं किया, तो भाई साहब हमारा लैपटॉप ख़राब हो चुका था, हमारा गोप्रो के अंदर पानी चला गया था, ड्रोन क्रैश कर गया था, मैं पूरा विकलांग हो गया था क्योंकि ना तो ड्रोन, ना तो लैपटॉप, ना ही गोप्रो, और एक और चीज़ हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो एक साथ संकट का पहाड़ टूट गया था, लेकिन मैंने ओवरकम किया, लैपटॉप रिपेयर हो गया, चावल के बोरे में डाल दिया गोप्रो को, तो गोप्रो भी ठीक हो गया। फाइनली जा करके आज आई एम फिट एंड फाइन एंड रेडी टू रॉक अगेन। आगे आगे है निखिल भैया, इनको हैट्स ऑफ। और एक ज्योतिर्लिंग बचा हुआ है वाराणसी, फिर उसके बाद इनका मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों का। इनकी यात्रा शहीदों के नाम है और उनको इनका सलाम है। ऋषिकेश से मैं निकल गया हूँ देहरादून के लिए। मैंने जो स्टॉप सोचा है आज मैं कहाँ तक जा पाऊँगा, क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो ना पहाड़ स्टार्ट हो गया है, पहाड़ स्टार्ट किया हुआ है, हम पहाड़ के अंदर में ही है, ऋषिकेश में हम। तो अभी हम चंद्रभागा रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। चंद्रभागा रिवर सूखा हुआ है क्योंकि बरसाती रिवर है। देहरादून बाईपास करके हम जाएंगे पोटा साहिब, और पोटा साहिब जो है वो है हिमाचल में। तो आज मोस्ट प्रोबेबली मैं हिमाचल में मेरी एंट्री हो जाएगी। और यार चारधाम हाईवे पे ना बहुत भीड़ चल रहा है, इसके कारण से ना मेरा थोड़ा सा अंदर से इच्छा नहीं कर रहा अभी जाने का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ लद्दाख जाऊँ और आराम से फिर जून जुलाई में आकर के बाकी 3 धाम में कर लूँ। तो अभी मेरे बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है, और 10-15 किलोमीटर मेरी बाइक चलेगी, तो आगे कहीं पंप दिखेगा तो मैं पेट्रोल ले लूँगा। पहुँच गया हूँ मैं उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे। ये ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा हिमाचल प्रदेश में। अभी इस वक्त फ़िलहाल मैं हूँ उत्तराखंड के अंदर। तो पहली बार मैं पहाड़ों में, मतलब जहाँ से यमुना शुरू होती है वहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर के बाद यमुना नदी मैं देखने वाला हूँ। यमुना नदी मैंने वैसे देखा है, वृंदावन में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है, लेकिन वहाँ पर यमुना काफ़ी गंदी थी, बहुत गंदी है, समझ में नहीं आता पानी है या नहीं है।
तो अभी ए भाई ये क्या हो गया, यमुना नदी है सामने लेकिन पानी तो मुझे दिख नहीं रहा है, ये तो पूरा सूखा हुआ है यार, ऐसा कैसे हो गया। ये हल्की हल्की सी पानी दिख रही है, बस हल्का हल्का सा पानी दिख रहा है यार। तो लो जी ये है नीचे यमुना नदी, पहली बार यमुना नदी को मैं इतना साफ देख रहा हूँ, लेकिन हल्का सा फेन इसमें भी है। सामने गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के जस्ट बगल में यमुना नदी है, मतलब यमुना नदी के तट पे बसा हुआ वो गुरुद्वारा हिमाचल में आता है, ये उत्तराखंड में है, बीच से बॉर्डर क्रॉस होता है। तो सामने मुझे एक गेट दिख रहा है हिमाचल प्रदेश का। देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। और देखो पहाड़ों में टोल टैक्स कैसे कटता है, पहाड़ों में ऐसा टोल टैक्स कटता है, हाईवे छोटा है तो टोल टैक्स बना नहीं सकते, तो एक छोटा सा ऐसे रूम बना करके यहाँ पे टोल टैक्स काटते हैं। के 7:30 बज रहे हैं, काफ़ी देर के बाद मैं अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट अपडेट दिया था उसके बाद से मैं बस गाड़ी चलाया जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत छोटे छोटे गांव के बीच से होकर के मैं जा रहा हूँ सोलान की तरफ, सोलान से फिर मैं जाऊँगा मनाली की तरफ। तो ये जो देहरादून से लेकर के सोलान का रास्ता है ना, काफ़ी सुंदर रास्ता है, मैं मेरा विश्वास मानो इतना साफ़ सुथरा रास्ता, इतना कम भीड़ वाला रास्ता, इतना कम ट्रैफिक वाला रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा। ये पहाड़ पे हूँ मैं अभी, जैसे लेफ्ट की तरफ मैं मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर में सीधा जाऊँगा तो चंडीगढ़ आ जाएगा, मतलब चंडीगढ़ के सामने वाला पहाड़ पे हूँ मैं। और इधर टूरिस्ट नहीं है, इधर सिर्फ और सिर्फ लोकल लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाली खाली रोड पे गाड़ी चलाने में। और काफ़ी अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, रोड किनारे ऐसे ऐसे सेट बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो अगर आप मेरे जैसे कैंपर हो तो। तो मैंने देखो क्या किया ना, मैंने गुरुद्वारा सर्च किया, तो यहाँ से 27 किलोमीटर दूर पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब जोहार जी। तो चलते हैं गुरुद्वारा साहिब जोहार जी और देखते हैं वहाँ पे हमें रहने को मिलता है, यानी मिल जाएगा रहने को, मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन 8 बजे से पहले मुझे पहुँचना है, अभी 7:30 बज रहा है, आधा घंटे के अंदर 20 किलोमीटर कवर करना है, क्योंकि बारिश भी आ रही है और रात हो जाएगा तो फिर ठंड भी बढ़ जाएगी। और कल सुबह मनाली हम खींच देंगे, क्योंकि मनाली यहाँ से और 350 किलोमीटर ही रह जाता है। ओके गाइस, करंट अपडेट ये है कि रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं पहुँच गया हूँ धर्मपुर। और यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ बिलासपुर होते हुए सुंदरनगर की ओर, सुंदरनगर से फिर आएगा मंडी, मंडी के बाद फिर आएगा मनाली। तो अभी मैं आया था पीछे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टे का ऑप्शन है नहीं, अगर ऑप्शन मिलता तो मैं यहाँ पे रुक जाता, नहीं तो फिर रुक के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे अभी थकावट है नहीं, सीधा यहाँ से निकलेंगे बिलासपुर होते हुए मंडी की ओर, देखते हैं आज रात तक कहाँ तक हो पाता है हमारा। शाम के 4 बजे के आसपास मैं निकला था ऋषिकेश से, नॉन स्टॉप में आया यहाँ पे, चढ़ाई थी बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और ज़्यादा मैंने ब्लॉगिंग किया नहीं, तो अभी रात है अंधेरा होने वाला है तो पता नहीं मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा या नहीं करूँगा, तो जहाँ भी जैसा होता है फिर आपको मैं अगला अपडेट देता हूँ। और बाय द वे अपडेट ये है कि मंडी शहर को मैंने क्रॉस कर दिया है और यहाँ से मनाली और 102 किलोमीटर है, सिर्फ और सिर्फ 102 किलोमीटर। ओके रोकना है ना, ओके 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 ओके। तो यार यहाँ पे पहाड़ की कटाई चल रही है, पहाड़ को काट करके 4 लेन का काम चल रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक को रोका गया है काफ़ी देर से। हमारी बाइक से तो हम निकल गए, लेकिन देख लो अभी भी काम चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ी सी JCB लगी हुई है और पहाड़ को काटा जा रहा है। और जब पहाड़ को काटा जाता है ना, तो ऐसा ही होता है, ट्रैफिक को एक तरफ से रोक के रखा जाता है और एक एक करके छोड़ा जाता है, इसके कारण से बहुत ट्रैफिक जाम लगता है। ये देखो रास्ता भी क्लियर भी नहीं हुआ है, अभी बाइक फिसलेगी यहाँ पे। ओ भैया जी, ओ बचा मैं। दिल्ली मनाली हाईवे पे लग चुका है ट्रैफिक जाम, भाई ये ऑल्टो वाले के चक्कर में जाम लगा हुआ है यहाँ पे। क्या लगता है निकलेगी? ऑफ कोर्स निकलेगी, जस्ट लुक एट द ट्रैफिक जैम भाई साहब।
दिल्ली मनाली दिल्ली वाली बस भी है यहाँ पे, तो अगर आप मनाली आना चाहते हो तो बसेस भी चलती है कश्मीरी गेट से, दिल्ली के कश्मीरी गेट से। इस साइड से ट्रैफिक कम है, हमारी तरफ से जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ ना उधर बहुत गंदा जाम लगा हुआ है। इधर जाम तो इधर भी है भाई। देखो यार अभी मैं एक टनल के अंदर में हूँ और ये टनल ना काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना, और ये टनल से सीधा मैं निकलूँगा कुल्लू की ओर। बिल निकालो और मशीन लेते हो। अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास बाइक चली है 8.5 लीटर पेट्रोल में, 9 लीटर पेट्रोल में, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो। तो यार सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मनाली से लगभग 60 किलोमीटर दूर मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि मुझे पेट्रोल डलाना था और थोड़ा सा आराम करना था, मतलब कि सोना था। तो पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी लगाया, पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि टैंक फुल करानी है और मुझे आराम भी करना है, तो उसने बोला ठीक है आप कहीं भी आराम कर लो। मैंने बोला टेंट लगानी है, तो उसने बोला आप लगा लो। तो यहाँ पर मैंने अपना टेंट लगा लिया है और वहाँ सामने कन्याकुमारी खड़ी है जो हमें लाइट दे रही है। बाकी अभी थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा यार, आज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास का बाइक राइड हो गया। शाम 4 बजे से सुबह के ऑलमोस्ट 4 मान लो, मतलब 12 घंटे में 400 किलोमीटर पहाड़ों पे, मुझे लगता है कि यार काफ़ी है आज के लिए। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सोऊंगा इस टेंट के अंदर। यश की मम्मी जी ने खाना बना कर दिया था यार, खाना मैंने खाया नहीं, वो खाना मैं अभी खाऊंगा यार। तो अभी मैं टेंट के अंदर हूँ और मैं आपको टेंट के अंदर का छोटा सा टूर देता हूँ। बाहर टेम्परेचर जो है वो अराउंड 20 डिग्री के आसपास है, मुझे तो सर्दी हो गई यार, अभी भी मैं छींकना स्टार्ट कर दिया मैंने अभी से ही। तो मैं दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गम बूट है और यहाँ पे मेरा बैग है, ग्लव्स, गोप्रो हेलमेट, टैंक बैग, और यहाँ पे है मेरा लैपटॉप बैग, और यहाँ पे एक योगा मैट बिछा हुआ है, तो इस योगा मैट के ऊपर मैं सोने वाला हूँ। बाकी राइडिंग गियर्स मैंने खोला नहीं है क्योंकि असकत बहुत है और सुबह के 4 बज गए हैं। राइडिंग गियर्स खोलना फिर साइडल बैग से कपड़े निकाल के पहन लेना, मुझे बहुत ये आलस वाली फीलिंग आ रही है। तो सीधा सोते हैं, सुबह उठेंगे डायरेक्ट यहाँ से और डायरेक्ट यहीं से फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लगाया था मैंने अपना टेंट, अभी टेंट खुल चुका है और टेंट खुलने के बाद बाइक के ऊपर लोड हो गया है, बाइक भी बिल्कुल रेडी है आगे की ओर निकलने के लिए। मेरे हाथ में है ब्रश, मैं जा रहा हूँ ब्रश करने के लिए। पेट्रोल पंप पे होने का फ़ायदा, यहाँ पे गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक आराम से फ्रेश होकर के मैं निकलूँगा यहाँ से और फिर बाइक सर्विसिंग कराएंगे। चलो मिलते हैं आपसे ब्रश व्रश करने के बाद मोटर लॉगिंग मोड पर। बाकी ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप पे मैंने रात को कैंप लगाया था, इस जगह पे मैंने अपना कैंप लगाया था। यार मैंने आपको बाइक की हालत दिखाता हूँ, कल रात को जो हमें राइड की थी ना, बाइक की हालत कुछ ऐसी है, पूरा वाइट आप देख सकते हो, छींटे लगे हुए मिट्टी के, और इधर ये बैग के तो हाल पूछो मत, पूरा ये सफ़ेद हुआ पड़ा है, पूरा का पूरा इंजन सफ़ेद हुआ पड़ा है। तो मतलब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी धमाकेदार वाली राइड हुई हमारी रात को। हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैंने छोड़ दिया इस पेट्रोल पंप को जहाँ पे मैं रात को रुका हुआ था, और बस पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में हाईवे, तो आ गया हूँ मैं हाईवे पे और मनाली यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। ये रास्ता बंद है क्या? ओके, ये रास्ता बंद है अभी, तो कुल्लू मनाली के लिए हमें ये लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो देखो मैं बात ये बोल रहा था ना कि 60 किलोमीटर के अंदर मनाली आ जाएगा। एक छोटी सी दिक्कत आ गई है कि मैंने एक फॉर्म भरा हुआ है, मेरे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जून के स्टार्टिंग में,
तो जून के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होगा, रांची में होने वाला है, तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी वापस आना पड़ेगा। इसलिए इस बार मैं बहुत ही कम समय के लद्दाख जा रहा हूँ और मुझे 3 धाम भी उधर कंप्लीट करने हैं और परमिट भी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है जहाँ पे मुझे जाना है लद्दाख के अंदर क्या सीन चल रहा है ना, क्योंकि अगर आपको लद्दाख जाना है तो 2 दिन पहले आपको परमिट कटाना पड़ेगा, उसके बाद ही जा करके आप लद्दाख में किसी जगह पे जा सकते हो। नहीं तो अगर आप इंस्टेंट परमिट चाहोगे कि आज के आज आपको परमिट मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं आज का परमिट, मैं कल का परसों का परमिट लूँगा, तब जा करके परसों से मेरा परमिट जो है वो वैलिड होना स्टार्ट होगा। और अभी 9:30 बज रहा है, 2 महत्वपूर्ण काम करने। पहला महत्वपूर्ण काम पेट पूजा, दूसरा महत्वपूर्ण काम जो है वो है बाइक की सर्विसिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह होते ही ना आंखें चौंधिया गई खूबसूरत से नज़ारे देख करके। सामने बर्फ वाली पहाड़ है जो कि नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उसके ऊपर बादल है। इधर हरा पहाड़, जहाँ देखो वहाँ पहाड़, और पहाड़ से उतर करके आ रही है बीएस रिवर। जी हाँ, बीएस रिवर जस्ट हमारे राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा बीएस रिवर है। तो अभी हम इस रिवर को क्रॉस करेंगे, रिवर हमारे राइट साइड थी, पुल क्रॉस करने के बाद रिवर हमारे लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। क्या नज़ारा है, क्या गजब का नज़ारा है यार। लग रहा है ना कि मैं मर गया हूँ और मेरी आत्मा जो परलोक सिधार गई है। इतना खूबसूरत सा नज़ारा मुझे देख करके ना मुझे आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये सब देख रहा हूँ। बात ऐसा है कि जब मैं मनाली से वापस आया था तो ये सब नज़ारे मेरे पीछे साइड थे। मैं पहली बार मनाली की तरफ जा रहा हूँ तो ये नज़ारे जो है ना मेरे आँखों के सामने है। और क्या नज़ारे है भाई, ओहो, दिल को ना ठंडक पहुँच गया, सुकून मिल गया दिल को।